नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो कैसे हैं सभी लोग? आई होप कि ठीक ठाक होंगे और आप सब ईश्वर करे कि आप सब तरक्की की ओर बढ़ें और जो है दिन प्रतिदिन आपकी जीवन में उन्नति आए। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम सब पढ़ेंगे छठवें शताब्दी ईसा पूर्व धार्मिक आंदोलन। तो देखिए होता क्या है, वैदिक संस्कृति में जब तक वैदिक संस्कृति का चूँकि काल जो था यह आपको 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी का काल वैदिक संस्कृति के काल के नाम से जानते हैं। वैदिक संस्कृति के काल को विद्वानों ने दो भागों में विभाजित किया, एक आपको ऋग वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल जो था इसमें आपको 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के समय को ऋग वैदिक काल के नाम से जानते हैं, जबकि 1000 से लेकर 600 बीसी तक के काल को उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं। जब तक ऋग वैदिक काल का समय था तब तक बहुत अच्छे से समाज जो था यह पुष्पित पल्लवित हुआ, लेकिन कालांतर में इसमें आपको बहुत ढेर सारे धीरे धीरे रूढ़िवादी मान्यताएं इंटर करने लगीं और लोगों के जीवन को जो जीने का तरीका था उसे बहुत कठोर और संकीर्ण बना दिया। इन्हें संकीर्णताओं से बाहर आने के लिए छठवीं शताब्दी में कई संप्रदायों का उदय हुआ। लगभग 70 से अधिक संप्रदाय जो थे वो जन्म लिए और सभी संप्रदाय कहीं न कहीं अपने आप को पुष्पित पल्लवित किए, चाहे वह बौद्ध संप्रदाय रहा हो, चाहे जैन रहा हो, चाहे आजीवक रहा हो, चाहे सूर्य संप्रदाय रहा हो, चाहे शाक्त संप्रदाय रहा हो, चाहे भागवत संप्रदाय रहा हो, चाहे जितने संप्रदाय के विषय में बातें कर ली जाए, सभी संप्रदाय आपको जो है चार्वाक दर्शन है, तमाम ऐसे संप्रदायों ने जन्म लिया। लेकिन उनमें सबसे दृढ़ता के साथ जनता जनार्दन के बीच अपनी बातों को रखने में दो संप्रदाय मुख्य रूप से सफल रहा। वो दो संप्रदाय आपको एक जैन संप्रदाय था और एक बौद्ध संप्रदाय था। कालांतर में ये दोनों जो हैं धर्म के रूप में परिवर्तित हुए। चाहे जितने संप्रदाय रहे हों सारे संप्रदायों के उत्पत्ति सनातनी संस्कृति से ही हुई और आज भी जब भी हम किसी चीज़ में जैसे सिख ही है तो सिख कहाँ से आया है? सनातन संप्रदाय से ही आया है। चूँकि कुछ मान्यताएं मध्यकालीन युग में रूढ़िवादी मान्यताओं ने अपना पैठ जमा लिया था और इन्हें रूढ़िवादी मान्यताओं से बाहर निकलने के लिए लोगों ने अपने विचार दिए। कालांतर में उनके एक विशेष वर्ग जो था अनुयायी बन गया, धीरे धीरे उनके बातों का प्रचार प्रसार हुआ। प्राचीन काल में से में आपको जो है बौद्ध और जैन मत खासकर छठवें शताब्दी में काफ़ी पुष्पित पल्लवित हुए। इसके पीछे दो कारण थे, एक तो इनकी भाषा जो थे आम जन की भाषा थी और दूसरे इन्होंने राजा महाराजा को ही दीक्षित करना चालू कर दिया। चूँकि राजा महाराजा को यदि आप दीक्षित करेंगे तो राजा का धर्म ही प्रजा का धर्म होता है, तो कहीं न कहीं बौद्ध धर्म और जैन धर्म के विकास होने में इन सब का बहुत बड़ा योगदान रहा। खासकर सबसे अधिक
बौद्ध धर्म ज़्यादा पुष्पित पल्लवित हुआ उसके पीछे उसके अंदर की फ्लेक्सिबिलिटी थी। यद्यपि स्त्रियों की दशा के विषय में बौद्ध धर्म जो था वह बिल्कुल मौन रहता है और स्त्रियों के विषय में बहुत अच्छी गहरी सोच नहीं होती, क्योंकि बौद्ध संघ में शामिल करने के लिए महात्मा बुद्ध को 1000 बार सोचना था और अंततो गत्वा अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म में स्त्रियों को प्रवेश दिया। लेकिन इसके साथ साथ जब उन्होंने प्रवेश दिलाया तो प्रवेश के साथ ही कहा कि जिस दिन संघ में स्त्रियां शामिल हैं उसके 500 वर्ष के बाद यह धर्म जो होगा वह स्वतः पतो उन्मुख हो जाएगा। और सच्चाई भी यही हुई, क्योंकि बौद्ध मठों में जब स्त्रियां शामिल हुईं तो तरह तरह के कुरीतियां समाज में या मठों में कुरीतियां आने लगें और जो विहार था ये भोग विलास का स्थान बनता चला गया। बहरहाल जो भी रहा, लेकिन उस समय में इन दोनों संप्रदायों ने धर्मों ने सनातनी संस्कृति या जिसे हम ग्रामीण या वैदिक संस्कृति कहते हैं वैदिक संस्कृति को वैदिक संस्कृति को न कहिए वैदिक संस्कृति में व्याप्त कमियों को नजरअंदाज करते हुए अपने अस्तित्व को बनाया और चतुर्दिक इन सब का विकास हुआ। आज जिस देश में बौद्ध और जैन धर्म की उत्पत्ति हुई यह अल्पसंख्यक के रूप में है, लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं बाद के काल में सनातनी संस्कृति में स्वयं को अपडेट करना और सुधार करना भी महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। और खासकर शंकराचार्य, रामानंद, रामानुजाचार्य, माधवल्लभाचार्य, माधवाचार्य जैसे जब ये सनातनी संस्कृति के लोग आए तो इन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया और एक बार सनातन धर्म को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया। वरना उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक पूरी तरह से राज संरक्षण में आपको जो था वह बौद्ध और जैन मत थे। जो भी रहा हो परिस्थितियां, लेकिन आज भारत में दोनों मत अल्प मत में हैं और 1% 0.93 और 1% के साथ दोनों धर्म का आपको अस्तित्व यहाँ है। लेकिन इनके द्वारा प्रचारित विचार और खासकर बौद्ध धर्म के कई पड़ोसी देशों में हैं, जैसे म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया, चीन, तो मंगोलिया के कुछ क्षेत्रों में, तो इन सभी जगहों पे बौद्ध धर्म जो था ये अपने जो प्रसार था इसको फैलाया, ठीक ना, इसके प्रसार पांव जो थे ये फैले और बनर वर्तमान में कई दक्षिण पूर्व एशिया के देश जो हैं इस मत को मानते हैं। अब आखिर महात्मा बुद्ध ने किस तरह से और महावीर स्वामी ने किस तरह से इन दोनों चीज़ों का प्रचार प्रसार किया और कौन कौन सी बातें उन सबको अच्छी लगी, इन्हीं के विषय में हम सब आज चर्चा करेंगे। तो आइए पहले हम सब
महात्मा बुद्ध के विषय में बातें करते हैं कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ, कौन कौन सी बातें थीं इन सब के विषय में। तो बिना देर के देखिए, चूंकि दोनों धर्मों को एक साथ पढ़ाने में बड़ी मुश्किलें आ सकती थी, इसलिए मैंने सोचा कि आप सबको थोड़ा आराम के लिए और चीज़ों को सही तरीके से समझने के लिए आप सबको जो है कि इस पे स्लाइड पर पढ़ा दिया जाए, जिससे आप सबको भी आसानी हो जाए और समय की बचत भी हो जाए। ठीक, तो देखिए, बौद्ध धर्म, महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म के विषय में, तो महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के लुम्बिनी ग्राम के आम्रपाली बगीचे में इनका हुआ था। यह लुम्बिनी वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के, आपको मैंने लिख भी दिया है, बस्ती जिले के पिपरहवा गांव में है। ये उस समय हिमालय के तराई का क्षेत्र समझा जाता था। ठीक, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनके इन्हें कई अन्य नामों से भी पुकारा जाता है, जैसे बुद्ध। बुद्ध का अर्थ होता है प्रज्ञावान, प्रज्ञा का अर्थ होता है ज्ञान, विवेक, विवेक से पूर्ण, यह बुद्ध कहलाए। दूसरा आपको तथागत, तथागत का अर्थ होता है सत्य है ज्ञान जिसका, यानी जिसे वास्तविकता या सत्य का ज्ञान हो गया हो। चूंकि महात्मा बुद्ध बचपन से ही बड़े जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे और इनके दर्शन भी जो थे, दुख, दुख का कारण, दुख का निवारण और दुख गामिनी प्रतिप्रदा, ठीक ना। तो ये जो चीज़ें थीं, तो कब ये लोगों को क्यों भाई समझ में आएगा, हम आप भी तो युवा हैं, हम आप भी तो समझते हैं, लेकिन चूंकि जब अंदर से सेल्फ सेटिस्फैक्शन वाली बातें हो जाती हैं तभी हम इन चीज़ों के विषय में सोचते हैं, वरना हम सब भौतिक विलास की चीज़ों में ज़्यादा व्यस्त रह जाते हैं। और इसी तरह चूंकि इन्होंने कर्म कांडों का और संस्कृत भाषा आदि का विरोध करके जन साधारण की भाषा में अपने उपदेशों को देना प्रारंभ किया था, तो उससे पहले हम सब थोड़ी बहुत बातें करते हैं। नेक्स्ट, शाक्य मुनि। शाक्य मुनि का अर्थ है शाक्य कुल में जन्म लेने वाला, चूंकि इनका गोत्र जो था वह क्या था, तो शाक्य कुल था और गौतम गोत्र था। नेक्स्ट देखिए, इनके विषय में और क्या है, तो एशिया का ज्योतिपुंज भी इन्हें कहा जाता है और लाइट ऑफ एशिया आप सबने सुना होगा। फिर गौतम, चूंकि प्रजापति गौतमी के पुत्र होने के कारण और गोत्र भी गौतम होने के कारण, दोनों बातें कह सकते हैं, इन्हें गौतम के नाम से संबोधित किया जाता है और इन्हें प्रछन्न भी कहा जाता है, प्रछन्न, ठीक ना, प्रछन्न भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, इनका गोत्र और कुल, गोत्र जो था गौतम था और कुल जो थे ये शाक्य कुल के थे। इनके पिता का नाम शुद्योधन था, जो शाक्य कुल के या शाक्य गण के मुखिया कहलाते थे। इनकी माता महामाया थी, जो कोलीय वंशीय राजकुमारी थी, या कोलीय आपको गणराज्य के राजकुमारी महामाया या माया देवी इनके माता थी। जन्म के सातवें दिन इनके माता का निधन हो गया, ऐसी स्थिति में इनके लालन पालन के लिए इनके पिता जो थे, इन्होंने अपने साले यानी इनकी माता की बहन और इनकी मौसी
प्रजापति गौतमी से इनके लालन पालन के लिए विवाह कर लेते हैं और इनका लालन पालन जो है वह प्रजापति गौतमी के द्वारा ही किया जाता है। इनका विवाह भी बहुत कम उम्र में, लगभग 16 वर्ष के अवस्था में कोलीय वंशीय राजकुमारी यशोधरा या बिंबा या गोपा या मृदकक्षणा के साथ इनका विवाह हो जाता है। आप लोग सिर्फ यशोधरा यशोधरा पढ़ रहे थे, इनका और भी नाम है बिंबा, गोपा, मृदकक्षणा आदि। लगभग 28 वर्ष के अवस्था में इन्हें राहुल नामक एक पुत्र का जन्म हुआ, ठीक ना। और राहुल का शाब्दिक अर्थ एक और बंधन होता है। इन्होंने आपको जो है कि राहुल के जन्म के एक वर्ष के पश्चात लगभग 29 वर्ष के आयु में, ये देखते चलिएगा आप सब, ठीक ना, लगभग 29 वर्ष के आयु में इन्होंने जो है के गृह को त्याग दिया और बौद्ध धर्म में गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। बौद्ध धर्म में गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। ज्ञान प्राप्ति लगभग 6 वर्षों के घोर तपस्या के उपरांत, यानी 29 है ना प्लस 6 बराबर 35, आपको 35 वर्ष के अवस्था में इन्हें वैशाख पूर्णिमा के दिन कैवल्य, या ऐसे समझिए ज्ञान के प्राप्ति हुई, क्योंकि कैवल्य जैन धर्म से संबंधित है, ठीक ना। 35 वर्ष के अवस्था में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो ज्ञान की प्राप्ति इन्हें बोध गया या इसका एक और नाम मिलता है उरुवेला में, साल वृक्ष के नीचे, सॉरी पीपल वृक्ष के नीचे आपको जो है निरंजना या फल्गु या पुनपुन नदी के तट पर इन्हें आपको जो है ज्ञान के प्राप्ति हुई। ये ज्ञान की प्राप्ति जो है नदी के तट पर समाधि के 8वें दिन का तात्पर्य था, होता ये है कि इनके साथ पंचवर्गीय ब्राह्मण, जिसे ये पहली बार उपदेश देते हैं, इन पंचवर्गीय ब्राह्मणों भी इनके साथ तपस्या कर रहे थे, लेकिन उन्हें भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। ऐसे स्थिति में महात्मा बुद्ध ने आपको जो है कि समाधि को त्याग कर वही जहाँ गया, बोध गया बता रहे हैं, बोध गया के सेनानी की पुत्री जिसका नाम सुजाता मिलता है, सुजाता से ये खीर खा लेते हैं। और खीर खाने के बाद जो पंचवर्गीय ब्राह्मण थे इन्हें छोड़ देते हैं, दित्कार के, छी छी छी, तो महिला के संपर्क में चले गए। लेकिन खीर खाने के 8वें दिन ये पुनः समाधि में वापस लौट जाते हैं और खीर खाने के 8वें दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होते हैं। इस ज्ञान की प्राप्ति को बौद्ध धर्म में संबोधि कहकर पुकारा गया है। क्या कहा गया है, तो ज्ञान प्राप्ति को संबोधि कहा गया। और ज्ञान प्राप्ति के बाद ये बुद्ध अथवा प्रज्ञावान जो है कहलाते हैं, बुद्ध या प्रज्ञावान कहे जाते हैं। इनके जो प्रथम गुरु थे वो आपको आलार कलाम थे और आलार कलाम से इन्होंने वैशाली में दीक्षा ली थी। आलार कलाम उस समय
सांख्य दर्शन के सबसे प्रकांड विद्वान माने जाते थे। सांख्य दर्शन के सबसे प्रकांड विद्वान, चूंकि उससे इनको संतुष्टि नहीं मिली, ऐसे स्थिति में इनके जो दूसरे गुरु थे वो रुद्रक राम पुत्र थे। इनसे राजगृह में इन्होंने दीक्षा ली और रुद्रक राम पुत्र ने अष्टांगिक मार्ग, जो योग की साधना जो है, योग के साधना के विषय में इन्हें बताया और कहा कि योग के माध्यम से आप परम तत्व या परम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो। ऐसी स्थिति में ये आपको जो है कि जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उन्हें पंचवर्गीय ब्राह्मणों के पीछा करते हुए चल देते हैं। और ये पंचवर्गीय ब्राह्मण इन्हें कहाँ मिलते हैं, तो सारनाथ में या मृगदाव में ये पंचवर्गीय ब्राह्मण इन्हें मिलते हैं। और पहला उपदेश इन्हें पंचवर्गीय ब्राह्मणों को, जिनका नाम कौंडिल्य, वप्पा, महानामा, भदीय और असजीय है, इन्हें पंचवर्गीय ब्राह्मणों को ये पहली बार पूर्ण उपदेश जो है देते हैं। कहाँ देते हैं, तो सारनाथ में या ऋषि पत्नम में, या इसी का नाम मृगदाव है, ठीक ना, मृगदाव, सारनाथ या ऋषि पत्नम, ये सारे नाम इसी के हैं। बौद्ध धर्म में दीक्षा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति यानी पहला व्यक्ति जिसे दीक्षित, जिसने दीक्षा लिया हो, ठीक ना, वह कोई और नहीं उपाली था। और अंतिम व्यक्ति दीक्षित दिया जाने वाला महात्मा बुद्ध द्वारा सुभद्र था। कौन? अंतिम सुभद्र और प्रथम उपाली जो था ये उपाली था। बौद्ध धर्म में जो महात्मा बुद्ध के द्वारा ये प्रथम उपदेश दिया गया था, इस उपदेश की घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं, तो धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से इसे कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने आपको जो है अंतिम व्यक्ति, देखो ये सुभद्र है भी, सुभद्र अंतिम व्यक्ति दीक्षित किया जाने वाला है। और सुभद्र को कहाँ पे किए थे दीक्षित, तो कुशीनारा में, कुशीनारा में सुभद्र को अंतिम दीक्षा इन्होंने दी थी। धर्म प्रचार का जो मुख्य स्थान इन्होंने बनाया, कहाँ कहाँ बनाया, तो अंग, मगध, काशी, मल्ल, कोसल, वज्जी, शाक, वत्स, ये सभी स्थानों पर इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार महात्मा बुद्ध के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, महात्मा बुद्ध ने धर्म का प्रचार नहीं किया, तो एकमात्र स्थान उस समय के जो सबसे प्रसिद्ध स्थानों में से था वह था अवंती। अवंती का मतलब उज्जैन में महात्मा बुद्ध ने एक बार भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने नहीं गए। अवंती या इसे उज्जैन भी आप कर सकते। महात्मा बुद्ध के प्रथम शिष्य जो बने थे वह तपस्सु और मल्लिक नामक दो बंजारे जो थे, यह पहले महात्मा बुद्ध के शिष्य बने। महात्मा बुद्ध के शिष्यों में सबसे प्रिय शिष्य जो था आनंद एवं उपाली, ये दोनों, और खासकर आनंद इनका सबसे प्रिय शिष्य माना जाता। महात्मा बुद्ध के शिष्यों में आपको जो है डाकू शिष्य भी इनके थे। डाकू शिष्यों में उंगली माल का नाम सबने सुना होगा। इनके राजा राजवाड़े भी थे शिष्य। राजाओं में शिष्य जो थे अजातशत्रु, बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन, उदयन नहीं, ये वत्स के राजा, ये सारे
आपको जो है इनके शिष्य थे, इनके शिष्या भी थी। जैसे बिंबिसार की पत्नी महाकोसला, प्रसेनजीत की पत्नी मल्लिका, ये सारे इनके शिष्य थे। इनके शिष्यों में आपको जो है कि वैद्य शिष्य भी इनके थे, जो उस समय का सबसे बड़ा चिकित्सक हुआ करता था, जिसका नाम आपको जो है कि जीवक था। जीवक नामक वैद्य महात्मा बुद्ध का प्रधान चिकित्सक था, मतलब कि महात्मा बुद्ध का अनुयायी था और इनका निजी चिकित्सक भी था। गणिका भी महात्मा बुद्ध के शिष्य थी। और आम्रपाली का नाम आप सबने सुना होगा। आम्रपाली नामक गणिका जो थे, ये महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्यों में से एक थी। क्या थे? तो प्रिय शिष्यों में से एक माने जाते हैं। नेक्स्ट हम सब देखते हैं, इन्होंने सर्वाधिक उपदेश जो था कोसल राज्य के राजधानी श्रावस्ती में दिए और कुल 25 वर्षवार या वर्षावार, इन्होंने वर्षावार का मतलब वर्षा ऋतु में जाकर इन्होंने आपको 25 वर्षावार जाकर ये रुके और वहीं पर इन्होंने अपना उपदेश दिया। नेक्स्ट, सर्वाधिक उपदेश यहां दिए, इनके उपदेश की भाषा पाली थी। बौद्ध संघ में शामिल होने वाले प्रथम महिला जो थे, यह इनके विमाता या मौसी या लालन पालन करता प्रजापति गौतमी थी। प्रजापति गौतमी के बाद बौद्ध संघ में शामिल होने वाली महिला कोई और नहीं, इनकी बहन और प्रजापति गौतमी की पुत्री नंदा थी। इसके बाद महात्मा बुद्ध के पत्नी यशोधरा ने भी बौद्ध संघ में शामिल हो गई थी। इसके बाद आपको गणिका आम्रपाली, ये सभी लोग बौद्ध संघ में शामिल हुए। किसके कहने पर? तो आनंद के कहने पर आपको जो है शामिल हुए। यही प्रश्न पूछता है कि बौद्ध संघ में पहली महिला कौन थी जो शामिल हुए, तो प्रजापति गौतमी। बाकी मैं आप सबको एक्स्ट्रा ज्ञान के लिए दे दिया हूं। और किसके कहने पर बौद्ध संघ में शामिल किया गया? तो आनंद के कहने पर महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दे गई। लगभग 80 वर्ष के अवस्था में 483 बीसी में वैशाख पूर्णिमा के दिन कुशीनारा में आपको महात्मा बुद्ध को महानिर्वाण की प्राप्ति हुई, यानी मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में महानिर्वाण शब्द कहकर संबोधित किया जाता। महापरि निर्वाण की प्राप्ति महात्मा बुद्ध को होती है। ये आपको कहा? तो मल्ल राज्य जो कुशीनारा था, यही इनका एक प्रिय शिष्य था चंदू, जो के पेशे से चर्मकार था। चंदू के यहाँ शुकर माधव खाने के कारण इनके तबीयत खराब हो जाती है और इन्हें पेचिस पड़ने लगता है और पेचिस पड़ने के कारण इनके मृत्यु हो जाते हैं। ये प्रमुख बातें रही। अब महात्मा बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति, प्रथम उपदेश, महापरिनिर्वाण, ये सब चीजें आपको जो है किस दिन मिला था? तो वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसी कारण वैशाख पूर्णिमा को आज भी हम सब बड़े पावन दिन के रूप में मनाते हैं।
महात्मा बुद्ध ने चार सिद्धांत या चार शिक्षा, मुख्य रूप से चार आर्य सत्य इनके द्वारा बतलाए गए। ये क्या था? तो दुख, दुख का अर्थ है यह संसार जो है दुख से भरा है। दूसरा, दुख समुदाय। दुख समुदाय का मतलब होता है दुख उत्पन्न करने वाला कोई न कोई कारण रहा हो। तो कोई कारण में मुख्यतया तृष्णा, मतलब चाह, तृष्णा है दुख का कारण इनके द्वारा बतलाया गया। दुख निरोध, अर्थात इस तृष्णा को कैसे रोका जा सकता है, इसके विषय में बातें होती हैं। और फिर दुख निरोध गामनी प्रतिपदा, यानी मध्यम मार्गे प्रतिपदा का बात करते हैं और कहते हैं न अधिक सुख और न अधिक काया क्लेश, बल्कि बीच के भाग को हम सबको अपने जीवन में अपनाना चाहिए, अर्थात दुख के मार्ग को रोकने का कोई उपाय होना चाहिए। ये बातें महात्मा बुद्ध के द्वारा कही जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, दुख के निवारण के मार्ग क्या बतलाए। तो महात्मा बुद्ध ने दुख के निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग का आपको जो है उपदेश दिया। किसका? अष्टांगिक मार्ग का। ये अष्टांगिक मार्ग थे क्या? तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मान, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। यह सारी चीजें दुख के निवारण के या मोक्ष की प्राप्ति के आपको साधन बतलाए गए। ये आपको जो अष्टांगिक मार्ग था, इसे महात्मा बुद्ध ने तैतरीय उपनिषद से ग्रहण किया था। कहां से? तो महात्मा बुद्ध के द्वारा तैतरीय उपनिषद से ये बातें ग्रहण की जाते हैं। यहां हम सब ने देखा, ठीक। अब संसार दुखों से मुक्ति हेतु महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। अष्टांगिक मार्ग का स्रोत क्या है? तो तैतरीय उपनिषद है। और अष्टांगिक मार्ग के लिए मध्यम मार्गे प्रतिपदा, अर्थात न अधिक काया क्लेश, न अधिक भौतिक सुख की बातें करते हैं। बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न के बातें की गई हैं। ये त्रिरत्न कोई और नहीं, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। बुद्ध की शरण में आओ, संघ के शरण में आओ और धम्म के शरण में आओ, यही मोक्ष का एकमात्र साधन आपको जो है यह बौद्ध धर्म में बतलाया गया है। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण स्थान है, जिनमें लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। क्या हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति जो थे ये आपको उरुवेला में हुआ था। प्रथम उपदेश महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में दिया था। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। मृत्यु यानी निर्वाण की प्राप्ति, महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण आपको कहाँ हुआ था? तो कुशीनारा में। बुद्ध जो थे इनके पुनर्जन्म के विषय में भी कहा गया, और ये पुनर्स्वर्ग से अवतरित हुए थे संकिसा में। ये संकिसा वर्तमान में कन्नौज में है और उस समय पांचाल जनपद हुआ करते थे। गिरिब्रज में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन, पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति का, और कुंडलवन जो जम्मू कश्मीर में है, यहाँ पे चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। तो ये सभी पवित्र बौद्ध स्थल के रूप में भी
आप कह सकते हो, ठीक ना। नेक्स्ट देखो भाई, बौद्ध धर्म से संबंधित स्थापत्य कला। चैत्य क्या होता है? तो बुद्ध बौद्ध पूजा का स्थल को चैत्य कहते हैं, और बौद्धों के आराम गृह को विहार कहा जाता है। स्तूप क्या होता है? तो बौद्ध धर्म के जितने शिष्य हैं उनके, आपको जो प्रिय शिष्य बुद्ध के और उनके प्रिय शिष्य के शरीरा अवशेष द्वारा प्रयुक्त सामान को गाड़कर अर्धचंद्राकार एक पिंड बनाया जाता है, उसे ही हम आपको क्या कहते हैं, तो स्तूप कहते हैं। अशोक के द्वारा पहला स्तूप का निर्माण अजात शत्रु के द्वारा किया गया था, लेकिन सबसे अधिक स्तूप का निर्माण जो था वह किसके द्वारा किया गया था? तो सबसे अधिक स्तूप का निर्माण आपको किसके द्वारा, तो वह किया गया था जो है अशोक के द्वारा। अशोक ने 84,000 बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया था, ठीक ना। बौद्ध धर्म से संबंधित आपको प्रमुख बातें भी हैं, और इन बातों में आपको त्रिपिटक है। त्रिपिटक प्रमुख ग्रंथ में, त्रिपिटक में तीन पिटक हैं, सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधर्म पिटक। ये सुत पिटक और विनय पिटक, इनका निर्माण जो है यह प्रथम बौद्ध संगति के समय में हुआ था, जबकि अभिधर्म पिटक का निर्माण तृतीय बौद्ध संगति के समय में हुआ। और सुत पिटक में बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है, बौद्ध धर्म के नियमों का उल्लेख है, और बौद्ध दर्शन एवं उपदेशों के विवेचना अभिधर्म पिटक में की गई है। नेक्स्ट, आपको बौद्ध धर्म में त्रिपिटकों की रचना पाली भाषा में की गई है, और सुत पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। अभिधर्म पिटक को थेरवाद भी कहते हैं, और इसका संकलन मोगली पुत्र तिस के द्वारा किया जाता है। अन्य बौद्ध ग्रंथों में मिलिंद पुनोह है, दीपवंश महावंश है। मिलिंद पुनोह की रचना नागसेन के द्वारा की गई, जबकि दीपवंश और महावंश ये श्रुति साहित्य है जो सिंहली भाषा में यानी श्रीलंका की भाषा में है। बुद्ध चरितम, सारिपुत्र प्रकरण और सौंद्रानंद ये तीनों संस्कृत में लिखा गया ग्रंथ है, जो चतुर्थ बौद्ध संगति के समय अश्वघोष के द्वारा इसकी रचना की गई थी। प्रज्ञा पारमिता और माध्यमिका सूत्र की रचना आपको जो है ये नागा अर्जुन के द्वारा किया गया, और अभिधम्म कोश की रचना वसुबंधु के द्वारा किया गया। लाइट ऑफ एशिया एडविन अर्नाल्ड के द्वारा लिखा गया है, जो ललिता विस्तार पर, ललिता विस्तार जो है बौद्ध धर्म से ही संबंधित पुस्तक है, उसी के आधार पर एडविन अर्नाल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक ग्रंथ के रचना की। अब बौद्ध धर्म के से संबंधित आपको जो है कि यहाँ पे चार जो है चारों पांचों बौद्ध संगति के आयोजन के विषय में हम सब बातें करेंगे। तो पहली बौद्ध संगति का आयोजन 483 बीसी में किया गया। कब? 483 बीसी में पहली बौद्ध संगति आयोजित हुई। कहाँ? तो गिरी ब्रज में। किसकी अध्यक्षता में? तो महाकश्यप, महाकश्यप के अध्यक्षता में। और कौन राजा था? तो उस समय आपको जो था मगध का राजा अजात शत्रु हुआ करता था। इस समय क्या हुआ? तो सुत पिटक एवं विनय पिटक का संकलन किया गया। नेक्स्ट, द्वितीय बौद्ध संगति जस्ट 100 साल बाद 383 बीसी में इसका आयोजन कहाँ किया गया? वैशाली में किया गया। किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो साबाकामी के अध्यक्षता में किया गया। शासक कौन था? तो आपको कालाशोक शिशुनाग वंशीय। और इसी समय बौद्ध धर्म का प्रथम विभाजन थेरवाद
और महासांघिक के रूप में होता है, ठीक ना। बौद्ध धर्म का प्रथम विभाजन। तृतीय बौद्ध संहिते में कहीं कहीं 351, 251, कहीं कहीं 253 दिया रहता है। मैंने दोनों बातों को लिख दिया। इसका आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, मोगली पुत्र तिस के अध्यक्षता में यह आयोजित हुआ था और अशोक उस समय राजा हुआ करते थे। इस समय तृतीय पिटक यानी अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया। चतुर्थ बौद्ध संहिते 78 ईस्वी या इसी में कहीं कहीं प्रथम शताब्दी लिख देता है। प्रथम शताब्दी भी कुछ किताबें लिखती हैं, घबराइएगा नहीं, सही है। ये कहाँ पे? तो कुंडल वन कश्मीर में होता है। वसुमित्र इसके अध्यक्ष रहते हैं और अश्वघोष जो थे इसके उपाध्यक्ष रहते हैं। कौन? अश्वघोष उपाध्यक्ष आपको रहते हैं। और किसके समय में? तो कनिष्क के समय में यह आयोजित होता है। और बौद्ध धर्म का द्वितीय विभाजन हीनयायन और महायायन के रूप में होता है। तृतीय बौद्ध संहिते आपको सातवीं शताब्दी में हर्षवर्धन के काल में होता है। कहाँ पर होता है? तो कन्नौज में होता है। ये प्रयागराज लिख दिए हैं, कन्नौज में आपको जो है आयोजित होता है। किसकी अध्यक्षता में? तो वेनसोंग की अध्यक्षता में आयोजित होता है। और हर्षवर्धन जो है राजा थे। इसी समय ब्रजयायन नामक एक नए शाखा की उत्पत्ति होती है। आइए नेक्स्ट देखिए। हम सब शंकराचार्य को प्रचंड बुद्ध भी कहा जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मैत्रेयनाथ को भावी बुद्ध कहा जाता है। बिंबिसार अजातशत्रु प्रसेनजीत उदयन महात्मा बुद्ध के समकालीन और शिष्य भी थे। बौद्ध धर्म में शून्यवाद या माध्यमिकावाद का प्रवर्तक नागा अर्जुन है और नागा अर्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म में विज्ञानवाद या योगाचारवाद का प्रवर्तक मैत्रेयनाथ को माना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी और नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायायन के नाम से जाना जाता है। 12वीं सदी में कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया जाता है। फिर विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंशी शासक धर्मपाल के द्वारा किया जाता है। बल्लभी विश्वविद्यालय भी आपको जो है बौद्ध धर्म के हीनयायन शाखा का प्रधान केंद्र माना जाता है। अब देखिए महावीर स्वामी और जैन धर्म के विषय में। देखिए पीपीटी बनाने पर आपको जो है कि 50 मिनट का समय लग गया एक धर्म को पढ़ाने में। ऐसे कितना लगता लिखकर पढ़ाने में? कम से कम 3 से 4 घंटे। देखिए जैन धर्म के विषय में अब आप देखिए कि महात्मा महावीर स्वामी का जन्म जो था यह आपको कब हुआ? तो महावीर स्वामी का जन्म 540 बीसी में कहाँ हुआ? तो वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ। इनके पिता सिद्धार्थ थे जो ज्ञात्रिक कुल के मुखिया थे। ज्ञात्रिक कुल के जात्रिक कुल या ज्ञात्रिक कुल के मुखिया थे। इनकी माता त्रिशला थी जो आपको वैशाली के राजा चेतक की बहन थी। वैशाली के राजा चेतक की बहन, चेतक के बहन थी। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, पुत्री का नाम अनुनंजा प्रियदर्शना या अनुज्या प्रियदर्शना था। इनकी बहन का नाम सुदर्शना था और इनके दामाद का नाम जामाली था जो सुदर्शना का पुत्र था। इसके बाद हम सब
देखते हैं कि बौद्ध महावीर स्वामी की मृत्यु 468 बीसी में, आपको 72 वर्ष के अवस्था में इनकी मृत्यु हो जाते है। 72 वर्ष के अवस्था में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति आपको जो है मृत्यु स्थल, तो मृत्यु स्थल ये गलत लिखा है, मृत्यु स्थल जो था पावापुरी, पावापुरी में इनकी मृत्यु होती है और मल्ल राजा हस्तपाल के दरबार में, हस्तपाल के दरबार में इनकी मृत्यु होती है। ज्ञान की प्राप्ति, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति जिम्भिंग ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे सर्वोच्च ज्ञान अर्थात कैवल्य की प्राप्ति होती है। ये आपको जो है कि 30 वर्ष के अवस्था में इन्होंने गृह को छोड़ दिया था। अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर महावीर स्वामी ने गृह को त्याग दिया था। लगभग आपको 12 वर्षों की घोर तपस्या के उपरांत 42 वर्ष के अवस्था में इन्हें कैवल्य अर्थात सर्वोच्च ज्ञान के प्राप्ति होते हैं। इन्होंने जैन संघ के स्थापना पावापुरी में की थी और इनके प्रथम शिष्य जो थे वह जामाली थे तथा जैन धर्म के प्रथम भिक्षुणे दधि वाहन के पुत्रे चंपा थी। कौन? तो दधि वाहन के पुत्रे चंपा। दधि वाहन उस समय के राजा हुआ करते थे और उन्हें के पुत्रे चंपा जो थे यह इनके प्रथम भिक्षुणी थी। महावीर स्वामी जो थे ये आपको जैन धर्म के जो उपदेश की भाषा रखे इन्होंने प्राकृत भाषा में उपदेश दिया और इन्होंने जैन धर्म में त्रिरत्न की बातें की गई, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण की बातें की गई। देखिए चूंकि अभी थोड़ी बहुत बातें शुरू की कहानी मैं लास्ट में आप सबसे बता दूंगा, अभी बताता हूं। इनके गणधरों की संख्या 11 थी। जैन धर्म का सिद्धांत जो था उसे स्यादवाद कहते हैं और जैन धर्म का जो मौलिक ग्रंथ है, ये क्या लिख दिया है भाई, जैन धर्म का मौलिक ग्रंथ गलत है, मौलिक ग्रंथ को पूर्व कहा जाता है। क्या कहते हैं? जैन धर्म के मौलिक ग्रंथ को पूर्व कहा जाता है, जबकि जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ जो है यह आगम कहलाता है। चूंकि ज्ञान प्राप्ति के बाद कोई कैवल्य कोई सामान्य ज्ञान नहीं था, अतः ज्ञान प्राप्ति के बाद ये कैवलीन, कैवलीन मतलब सर्वोच्च ज्ञान को प्राप्त करने वाला, इन्हें जीन, जीन का मतलब विजेता, क्या कहा गया, विजेता, अरहत, अरहत का अर्थ होता है पूजनीय, पूजनीय, और निर्ग्रंथ का अर्थ होता है बंधन रहित, बंधन रहित। चूंकि ये सभी एक अद्भुत पराक्रम माने जाते हैं इसीलिए इन्हें महावीर भी कहा गया, महावीर, इसीलिए इनका एक और नाम महावीर रखा गया। नेक्स्ट हम सब आइए देखें, जैन धर्म के प्रमुख साहित्य में 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र जो हैं ये हैं।
जैन धर्म में पंच महाव्रत के बातें की गई और पंच महाव्रतों में अहिंसा अमृषा, अहिंसा का मतलब होता है दूसरे जीवों पर दया करना, अमृषा का अर्थ होता है सत्य वचन, अपरिग्रह का अर्थ होता है चोरी न करना, अपरिग्रह का अर्थ होता है धन का संचय न करना, और अस्ते का मतलब होता है चोरी न करना, और ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है ब्रह्मचर्य का पालन करना। चूंकि ये सब एक बहुत ही बड़ा अद्भुत चीज होता है, ठीक ना। अब महात्मा बुद्ध ने जो 11 गणधर अपने बनाए थे, इन 11 गणधरों में आपको जो है कि महात्मा बुद्ध के जीवन काल में ही आपको 10 गणधर के मृत्यु हो गई थी। एकमात्र जीवित गणधर सुधर्मन था, जो महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद जैन धर्म का आपको जो है प्रधान बनता है, ठीक ना। महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद यही जैन धर्म का प्रधान सुधर्मन बनता है। अब जैन धर्म में आपको जो है संगतियों के विषय में चर्चा करते हैं। कुल जैन धर्म की 2 संगतियां हुई। इन संगतियों में आपको प्रथम संगते पाटलिपुत्र में आयोजित हुई और इस संगते के अध्यक्षता स्थूल भद्र ने की। ये 300 ईसा पूर्व यानी कह सकते हैं 4th शताब्दी ईसा पूर्व ये हुई। ये आपको जो है जैन धर्म के प्रथम विभाजन इसी समय हुआ और यह प्रथम विभाजन श्वेतांबर और दिगंबर के रूप में हुआ, श्वेतांबर और दिगंबर के रूप में हुआ, ठीक ना। श्वेतांबर जो थे ये स्थूल भद्र के अनुयायी जो थे ये श्वेतांबर कहलाए, और भद्रबाहु के जो अनुयायी थे ये दिगंबर कहलाए, ठीक ना। श्वेतांबर का मतलब जो वस्त्र को धारण करता था और दिगंबर का अर्थ जो वस्त्र को धारण नहीं करता था। द्वितीय संगति जो है यह आपको वल्लभी अर्थात गुजरात में 6वीं शताब्दी में लगभग 512 ईस्वी में देवर्धि क्षमा श्रवण, गलत लिखा है, देवर्धि क्षमा श्रवण के अध्यक्षता में यह आपको आयोजित किया गया। और इसी समय जैन ग्रंथ जो इधर उधर भूल भटक गया था, जिसमें 12 अंग 12 उपांग 6 सूत्र 5 जो हैं 10 आपको 6 सूत्र 4 मूल सूत्र ठीक 10 प्रकीर्ण, इन सब का अंतिम रूप से संकलन किया जाता है। जैन धर्म के अब थोड़ी बहुत बातें यहीं पे कर लेते हैं। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे। 24 तीर्थंकरों में प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ को कहा जाता है। आदिनाथ को ऋषभदेव या वृषभदेव के नाम से भी जाना जाता है। आदिनाथ के 2 पुत्र 1 पुत्रियां थी। पुत्र का नाम, एक का नाम भरत और दूसरे का नाम बाहुबली था। भरत उत्तर भारत का शासक हुआ और बाहुबली दक्षिण भारत का शासक हुआ। इनके आपको जो है कि एक पुत्री ब्राह्मी थी और इसी ब्राह्मी के द्वारा जो हम सब आज लिपि लिखते हैं ब्राह्मी, इसमें कहीं ना कहीं आपको जो योगदान मुख्य रूप से है वह आपको किसके, तो ऋषभदेव की पुत्री का ही है। ऋषभदेव के आप जब जाएंगे माउंट आबू पर्वत राजस्थान में तो यहां पर आपको एक मंदिर है,
जिसमें और वह मंदिर का निर्माण जिसे दिलवाड़ा के मंदिर के नाम से जानते हैं। यह दिलवाड़ा का मंदिर किसी और का नहीं है बल्कि ऋषभ देव या आदिनाथ का ही यहाँ पे चित्र मिलता है, मूर्ति है। और इसका निर्माण चालुक्य सोलंकी वंशीय शासक भीम प्रथम का मंत्री बिमल शाह के द्वारा करवाया गया था। इसी कारण इसे विमल शाही मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं? विमल शाही मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। जैन धर्म के पहले और 22वें तीर्थंकर यानी प्रथम तीर्थंकर मैंने बताया कि ऋषभदेव और 22वें तीर्थंकर जिन्हें अरिष्ट नेम के नाम से जाना जाता है, इन दोनों का आपको जो है कि ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। अरिष्ट नेम को यानी 22वें तीर्थंकर का जो प्रतीक चिन्ह था यह कमल था, जबकि आपको ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह वृषभ था या सांड था, ठीक ना। इसमें आपको ये जैनाचार्यों में 18वें जो जैन तीर्थंकर हैं मल्लीनाथ, इनके विषय में श्वेतांबर संप्रदाय के लोग कहते हैं कि यह महिला संत थी। क्या थे? महिला संत थी। इसके प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर पार्श्वनाथ को कहा जाता है। पार्श्वनाथ जो थे ये महावीर स्वामी से 2500 वर्ष पूर्व के थे पार्श्वनाथ, और ये अंतिम इच्छाकु वंशीय राजा अश्वसेन के इकलौते पुत्र थे, बनारस के रहने वाले थे। इनके माता का नाम वामा देवी था और पत्नी का नाम प्रभावती था। इन्होंने 30 वर्ष के अवस्था में घर को छोड़ा और 84 दिनों के घोर तपस्या के उपरांत इन्हें आपको पार्श्वनाथ की पहाड़ी पर कैवल्य की प्राप्ति हुई। इन्होंने 4 आर्य सत्य बतलाए। क्या क्या? तो अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और अमृषा अर्थात सत्य वचन। और जैन धर्म में 5वें आर्य सत्य जिन्हें ब्रह्मचर्य कहकर कहा गया, इसे महावीर स्वामी ने जोड़ा था। ये आपको प्रमुख बातें हुई। जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ जो थे कल्प सूत्र, और इसी कल्प सूत्र में 24 जैन तीर्थंकरों के जीवनी मिलती है और इसकी रचना भद्रबाहु के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखिए, महामस्तिका अभिषेक यह बाहुबली से संबंधित है। यह किससे संबंधित है? तो बाहुबली से संबंधित आपको माना जाता है। ये बाहुबली या जीन सेन की प्रतिमा बोलते हैं, जीन सेन की प्रतिमा। ये प्रतिमा कहाँ है? तो ये जीन सेन की प्रतिमा आपको गोमतेश्वर मंदिर या इसे है श्रवण बेलगोला, यही बाहुबली के प्रतिमा है। और जीन सेन के प्रतिमा संसार के सबसे बड़े एकाश्म पत्थर की लगभग 70 फीट ऊंचे एक पत्थर, कटा वटा कहीं कुछ नहीं है, यह प्रतिमा है। और इसका निर्माण आपको गंगवंशीय राजा राजमल चतुर्थ का मंत्री चामुंडा राय के द्वारा किया गया। चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण करवाया। भद्रबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण जाने का सबसे प्राचीनतम उल्लेख हरिसेन कृत बृहद कथा कोश से जानकारी मिलते है। तो इस तरह आप सबने देखा कि जैन धर्म से संबंधित प्रमुख बातों को। नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।